ओके यार, सो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग पढ़िया होंगे, वॉच करोगे। एक क्वेश्चन मुझसे बहुत ही ज्यादा पूछा जा रहा है, उसी क्वेश्चन के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई क्या क्वेश्चन है एंड उस पे मेरा क्या टेक है, मेरा क्या ओपिनियन है, ये सब चीज मैं आपको बताऊंगा। एंड ये वीडियो रियली इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको इस वीडियो के अंदर बने रहिए। आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो सिंपली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कर दो यार, हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। अब देखो यार, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखो, हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हर दिन एक नया वर्जन आ जा रहा है, हम कौन सा वर्जन सीखें, पुराना वर्जन सीखें या नया वर्जन सीखें, या हम लोग वेट करें एक और नया वर्जन आने के लिए। ऑब्वियसली बात है कि अगर थोड़े दिन वेट करोगे तो एक नया वर्जन आ ही जाएगा, हमेशा हमेशा आपके लिए एक नया वर्जन रेडी है। तो अगर नया वर्जन रेडी है तो आपको वेट करना चाहिए क्या? तो एक बंदे ने हमसे पूछा कि सर मैं, हमारे पास पुराना वर्जन अवेलेबल है, मैं पुराने वर्जन पे सीखूं और पुराने वर्जन पे अभी काम हो रहा है, क्या अभी जो लेटेस्ट वर्जन आया है उसको सीखूं या थोड़े दिन के लिए वेट करूं? तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत दुविधा वाला क्वेश्चन है कि भाई मतलब इसको क्या आंसर दें यार। अब देखो, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी गाइस, आप पुराना अगर आप ये सोचोगे ना, आप पहले वाला सीखो कि करंट जो चल रहा है वो सीखो कि जो नया आ रहा है उसका वेट करो, तो ट्रस्ट मी आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये आप गारंटी लिख के ले लो। ठीक है, जो चल रहा है उसको सीखो पहले, पहले तो एक्चुअली बेसिक फंडामेंटल सीखने हैं तो उसको तो स्टार्ट ही कर दो, ये सिंपल सा क्वेश्चन इसका आंसर है। बट आपको ये चीज समझनी होगी, क्या समझना है आप समझिए मेरी बात, इट्स अबाउट टेक्नोलॉजी। ये भाई टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी का मतलब ही है, अगर उसका अर्थ समझे तो एक तरीके उसका अर्थ है कि चेंज ही है टेक्नोलॉजी, मतलब कहने का मतलब है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी भाई। जैसे जैसे लोगों की आवश्यकता बढ़ती जाती है, नई नई चीज़ें आती जाती हैं, आविष्कार होते जाते हैं। तो बहुत पुराना कोड आपने सुना ही है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ी, तुरंत एक नई टेक्नोलॉजी या नया वर्जन आ गया। तो ये चीज़ याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी का मतलब ही है भाई कि वो चेंज होगा फ्यूचर में। और आप एक दिन रेस्ट ले लिया, आपने एक दिन छुट्टी ले ली, तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि यार उस टेक्नोलॉजी पे काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल उस टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, इंजीनियर्स उस पे काम कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम्स उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। तो नया चीज आना ही आना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो आप इस चीज के लिए वेट कर रहे हो कि भाई अभी जो करंट चल रहा है उसको सीखूं कि पुराना सीखूं कि जो नया आने वाला उसको सीखूं, उसके लिए वेट करूं? तो ये आई थिंक इससे बेकार चीज़ आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, जो करंट चल रहा है उसको सीखना स्टार्ट करो, नया आ जाएगा तो नया भी सीख लेना, नया आ जाएगा तो नया भी सीख लेना, उससे भी नया आ जाएगा तो उससे नया भी सीख लेना। तो आपको ये समझना, इट्स अबाउट टेक्नोलॉजी एंड इट्स अबाउट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब है कि जैसे जैसे प्रॉब्लम आती जाएंगी वैसे वैसे नई चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी। इसी तरह टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग में भी है, नए वर्जन कब आते हैं, जब कोई प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम का सलूशन देने के लिए नई चीज़ नया वर्जन आ जाता है, हमेशा ऐसी याद रखिए। और प्रॉब्लम हमेशा रहेगी ही रहेगी, प्रॉब्लम कभी जाएगी नहीं, चीज़ याद रखिए, प्रॉब्लम कभी भी नहीं जाएगी लोगों की। और प्रॉब्लम नहीं जाएगी तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इंसानों की लाइफ आसान बनाने के लिए, क्योंकि हर चीज़ तो प्रॉब्लम है, मुझे ये रिमोट उठाना पड़ा तो ये भी एक प्रॉब्लम है, कुछ भी यार देखो मतलब इस बात समझ रहे हो ना, लोगों को आपस में बात कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम हुई तो वो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, कुछ भी है, जैसे ये मुझे दूध हाथ से पीना पड़ रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम हमेशा लोगों के पास रहेगी एंड इन्हीं प्रॉब्लम का सलूशन देने के लिए टेक्नोलॉजीज हमेशा अपडेट होती रहेंगी। इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लोगों की लाइफ को आसान बनाने के लिए, डेवलपर्स की लाइफ को आसान बनाने के लिए नई नई चीज़ आती रहेंगी, हमेशा ही याद रखिएगा। तो इट्स अबाउट प्रॉब्लम हमेशा। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जब हमारे पास एक छोटे फ़ोन होते थे, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, सिर्फ उसमें कॉलिंग होती थी, तब लोग को दिक्कत होती कि भाई हम वीडियो कॉल नहीं कर पा रहे, हम देख नहीं पा रहे लोगों को। फिर धीरे धीरे हम उस फ़ोन के अंदर गाना नहीं सुन पा रहे, हम उस फ़ोन के अंदर वीडियो नहीं सुन पा रहे। तो जब ये चीज़ें आ गई भाई, लोग मल्टीमीडिया फ़ोन आ गए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके मल्टीमीडिया फ़ोन आए। एंड जब मल्टीमीडिया फ़ोन आए तब लोगों को दिक्कत हो गई कि भाई कि उसमें फिक्स्ड कुछ गाने ही मेमोरी कार्ड में भरे जा रहे हैं, कुछ वीडियो ही फिक्स भरे जा रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब इंटरनेट आ गया, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया कि भाई अब आपको फिक्स गाने नहीं भरने, अब इंटरनेट से जो मर्जी वो डाउनलोड कर लें। तो अभी भी भाई कोई लोग को दिक्कत है, सबको दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि अब लोग 3D में बात करना चाह रहे हैं या 3D देखना चाह रहे हैं भाई, एक्चुअली वर्चुअल इन्वायरमेंट, वर्चुअल बोलता ना कि भाई हम वर्चुअली वहाँ पे प्रेजेंट रहना चाह रहे हैं, समझ पा रहे हो? तो अब क्या है कि अब 3D भाई मूवी देखनी भी है तो अब लोगों को 3D चाहिए, मोबाइल फ़ोन पे आपने हेडसेट लगा लिया। तो हर चीज़ प्रॉब्लम हमेशा ही रहेगी भाई, कुछ भी आ जाएगा ना, कोई फाइनल प्रोडक्ट कभी हो ही नहीं सकता, प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। एंड प्रॉब्लम हमेशा रहेगी तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नए नए वर्जन आते रहेंगे हमेशा, वो खत्म नहीं होने वाला है। तो आप वेट तो बिल्कुल भी मत करिए, अगर आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ का कि ये नया वर्जन आ जाए तो काम करूँ, ये नया वर्जन आ जाए तो काम करूँ, तो इट्स वर्स्ट थिंग दैट यू आर डूइंग। ये सबसे बेकार चीज़ है जो आप कर रहे हो, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। ओके, सो यू नीड टू अपडेट, आपको यू नीड टू अप टू डेट, आपको हमेशा अप टू डेट रहना है। कोई भी चीज़ आए तो आपको हमेशा नया सीखने के लिए तैयार रहना है भाई, क्योंकि देखो अभी रिएक्ट का कोई वर्जन चल रहा है, रिएक्ट 19 आने वाला है, रिएक्ट 19 अनाउंस हो गया, रिएक्ट 19
जब तक आप काम करोगे सीखोगे तब तक क्या होगा कि रिएक्ट 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। तो आपको हमेशा अप टू डेट रहना है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, क्योंकि भाई लोगों की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जा रही है। एंड ऑब्वियसली बात है कि जब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो डेवलपर्स जो हैं डेवलप कर रहे हैं, उन डेवलपर्स के पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कोर फंडामेंटल टेक्नोलॉजी है, फंडामेंटल टेक्नोलॉजी पे काम करते वक्त बहुत सारी मुश्किलें होती हैं डेवलपर्स को, तो उसके ऊपर फ्रेमवर्क्स निकाले गए कि भाई अब डेवलपर्स को, डेवलपर्स की लाइफ को आसान बनाया जाए। तो फ्रेमवर्क्स काम करते हैं डेवलपर्स की लाइफ को आसान बनाने के लिए। अब फ्रेमवर्क के ऊपर भी फ्रेमवर्क है, ठीक है, तो वो उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर रहा है, फ्रेमवर्क की भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। जैसे हमारे पास सिंपल जावास्क्रिप्ट थी, तो उस जावास्क्रिप्ट की जो डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट रिएक्ट जेएस आई, फिर रिएक्ट जेएस में भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट जेएस आई। अब हो सकता है नेक्स्ट जेएस में भी कोई प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए या नेक्स्ट के अलग अलग वर्जन आएंगे। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा रहेंगी, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट वर्जन आएंगे, एंड वो चीज़ कभी रुक नहीं सकता क्योंकि इंजीनियर्स पीछे काम कर रहे हैं, डे बाय डे काम हो रहा है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, जो करंट वर्जन है उसको सीखना स्टार्ट करो। एक पहले वाला वर्जन भी सीख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको समझना है कि करंट वर्जन में क्या अपडेट आया था, क्या पुराना वर्जन हटा तो नहीं दिया गया, पुराने वर्जन में जो थी वो अब नए वर्जन में चीज़ें हटा तो नहीं दी गई, या उसका कोई बेटर वर्जन तो नहीं है। क्योंकि यार देखो, अचानक से कोई एक बार में कोई चेंज नहीं हो जाते, चेंजेस जब भी होते हैं तो पहले कुछ डेप्रिकेट किया जाता है कि भैया अब ये फ्यूचर में नहीं यूज़ किया जाएगा। तो उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, मैक्सिमम 10 से 15 पॉइंट हो सकते हैं बस मैक्सिमम, उससे ज़्यादा एक ही दो पॉइंट धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। तो आपको हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा कह सकते हो कि आपको खुद को ऐसा बनाना चाहिए कि भाई मैं नई चीज़ें सीखना स्टार्ट मतलब सीख सकूं। तो अडॉप्ट करना आना चाहिए चीज़, याद रखिएगा। एंड प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग यार तो भैया आपको आना ही आना चाहिए, याद रखिएगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, सिंपल सा मेरा इस क्वेश्चन का सिंपल सा ये आंसर है गाइस, कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको करंट में जो वर्जन है उसको सीखना है, एंड फ्यूचर के लिए तो बिल्कुल वेट नहीं करना, क्योंकि जब तक आप वेट करोगे तब तक दूसरा आ जाएगा, फिर नेक्स्ट का वेट करोगे, फिर नेक्स्ट का वेट करोगे, बिल्कुल भी नहीं करना। आपको खुद को ऐसा बनाना है कि आपने करंट वर्जन सीख लिया कोई भी टेक्नोलॉजी, चाहे आपने जावा सीखा या फिर आपने स्प्रिंग बूट सीखा या फिर आपने रिएक्ट जेएस सीखा, एंगुलर सीखा, तो आपने करंट वर्जन जो सीख रहे हो उस वर्जन पे फोकस करिए कि उस वर्जन में क्या हो रहा है। देन जो नेक्स्ट वर्जन है उसमें क्या अपडेट्स हैं, क्या कुछ ब्रेकिंग चेंजेस हैं जो पहले वर्जन में होते थे कि नहीं अब नहीं होते, किसी चीज़ को इम्प्रूव कर दिया गया तो उस चीज़ के बारे में सीख लो। तो वही दो चार चीज़ें आपको बस नए वर्जन में क्या आया है यही सीखना है, बाकी टेक्नोलॉजी तो वही रहती है। सो आई होप इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा यार, और मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूँ। कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट स्क्रीन बता दीजिए, एंड कुछ प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स भी हम लोग जल्दी डालने वाले हैं, थोड़ा सा बिजी है इसी को समझिएगा, बाकी बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। तब तक के लिए आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।